जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गुड जॉब्स में। आपके लिए छोटे सा नई नौकरी का वीडियो लाया हूँ। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल https://t.me/goodjobs007 है। इस पर आप जाके सभी वीडियो का लिंक पा सकते हैं, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्लम्बर टेक्निकल एंड अदर 2022। ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हैज पब्लिश नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट प्लम्बर टेक्निकल एंड अदर वैकेंसीज। दोज कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड इन द वैकेंसी डिटेल्स एंड कम्प्लीट ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द नोटिफिकेशन एंड अप्लाई ऑनलाइन। आप इसकी वेबसाइट पर जाके अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन, फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है। पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन देख लेते, टोटल पोस्ट है इसमें 253। पहला पोस्ट है, कुल मिला कर इसमें 30 तरह के पोस्ट है, उसको हम धीरे धीरे देखेंगे। अभी उसका क्वालिफिकेशन क्या है देख लेंगे। फिर पहला पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर, टोटल पोस्ट है एक। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए। दूसरा पोस्ट है स्ट्रक्चरल फिटर, 34 पोस्ट है ITR NCVT स्ट्रक्चरल फिटर जनरल शीट मेटल वर्क ट्रेड। थर्ड है रेफ्रिजरेशन एंड AC मैकेनिक, दो पोस्ट है ITR NCVT ITI इन ट्रेड रेफ्रिजरेशन और AC मैकेनिक होना चाहिए। चौथा है वेल्डर, 12 पोस्ट है ITI NCVT और ITI इन ट्रेड वेल्डर। पांचवा पोस्ट है 3G वेल्डर, 10 पोस्ट है ITI इन NCVT ITI ट्रेड वेल्डर करेगा। छठवा है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, 16 पोस्ट है ITI NCVT ITI इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। सातवा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, टोटल पोस्ट है 11। 10वीं पास और ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में होना चाहिए, और आपको 10th पास और ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड होना चाहिए। आठवा पोस्ट है प्लम्बर, पोस्ट दो है, SSC एंड ITI प्लम्बर ट्रेड रहेगा, यानी आपको 10th प्लस प्लम्बर ट्रेड में ITI होना चाहिए। नौवा मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, एक पोस्ट, SSC एंड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना भी अनिवार्य है। 10th प्रिंटर क्यूम रिकॉर्ड कीपर, एक SSC कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, यानी 10th के साथ कंप्यूटर नॉलेज आवश्यकता है। 11th कुक, चार पोस्ट, 10th क्लास, 12th ऑफिस असिस्टेंट, 7 एनी डिग्री रिलेवेंट डिसिप्लिन कंप्यूटर नॉलेज। आपके पास डिग्री होना चाहिए कोई भी विषय के साथ और कंप्यूटर के नॉलेज की आपकी जानकारी होना चाहिए। 13 ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस एंड इंटरनल ऑडिट, 4 एनी डिग्री होना चाहिए आपके पास रिलेवेंट जिस कोई भी सब्जेक्ट के साथ और कंप्यूटर नॉलेज मंगाए बस। गोवा शिप 14th है स्टोर असिस्टेंट, एक एनी डिग्री बोला है रिलेवेंट डिसिप्लिन आवश्यकता के अनुसार होगा कोई भी डिसिप्लिन में। यार्ड असिस्टेंट 10th एनी डिग्री कंप्यूटर नॉलेज, जूनियर इंस्ट्रक्टर अप्रेंटिस मैकेनिकल 2 एनी डिग्री बोला कोई भी कंप्यूटर नॉलेज के साथ। 17 मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी आपको जो भी टेक्नीशियन बनना है उसके हिसाब से आपका डिप्लोमा होना है। 18वां टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर मैकेनिकल, 8वां डिप्लोमा इन रिलेवेंट डिसिप्लिन होना चाहिए। 19 टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर इलेक्ट्रिकल, टोटल पोस्ट है 7, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना है। 20 टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल मैकेनिकल, टोटल पोस्ट 12, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना है। 21 टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रिकल, टोटल पोस्ट 5, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना है। 22वां टेक्निकल असिस्टेंट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल पोस्ट 5, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना है।
23 पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल, 21 पोस्ट डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 24 24th टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, टोटल पोस्ट है 15 और डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना है। 25th है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, 5 पोस्ट डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना है। 26वां टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग, पोस्ट 21 डिप्लोमा इन शिप बिल्डिंग इंजीनियरिंग होना है। 27th सिविल असिस्टेंट, 2 डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना है। 28वां ट्रेनी वेल्डर, 10 ITI NCTVT ITI वेल्डर में होना है। 29वां ट्रेनर ट्रेनी जनरल फिटर, 3 ITI एंड फिटर फिटर जनरल में होना है। 30 अनस्किल, 20 कैंडिडेट शुड प्रोसेस SSC और 10th पास्ट। ये था क्वालिफिकेशन के साथ 253 पोस्ट का। अब अपर एज लिमिट देख, एज लिमिट देख लेते। अपर एज लिमिट फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए 38 साल रहेगा। अपर एज लिमिट फॉर OBC कैंडिडेट के लिए 36 साल। अपर एज लिमिट फॉर EWS/UR कैंडिडेट के अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 33 साल रहेगा। अपर एज लिमिट फॉर PWD यानी दिव्यांग प्लस जनरल रहेगा तो 43 साल रहेगा। अपर लिमिट फॉर दिव्यांग प्लस SC ST रहेगा तो 48 साल रहेगा, 48 ईयर्स। अपर एज लिमिट फॉर दिव्यांग प्लस OBC रहेगा तो 46 साल रहेगा यानी 46 ईयर्स। एज रिलेक्शन एज पर रूल रहेगा, जो भी इसका रूल्स है। अप्लीकेशन फी फॉर जनरल OBC EWS के लिए 200 रुपये लगेंगे, फॉर SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन के लिए 0 रुपीज़ और नील रहेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन माध्यम के द्वारा कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट के द्वारा, कार्ड के द्वारा। इंपॉर्टेंट डेट्स है, स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन रहेगा 29/3/2022, लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन रहेगा 13/5/2022 से ही। इसको 28/4/2022 को एक्सटेंड करके 13/5/2000 रहेगा, 13/5/2022 रहेगा आखिरी डेट। लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ हार्ड कॉपी, इसमें हार्ड कॉपी भेजना पड़ेगा आपको, प्रिंट आउट जो निकलेगा उसका डेट रहेगा 23/5/2022, जो कि एक्सटेंड किया हुआ है 9/5/2022 से 23/5/2022 तक। आप भेज सकते हैं इसको इसके एड्रेस पे। इम्पोर्टेंट लिंक से ऑफिशियल वेबसाइट https://goashipyard.in है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और जो इसको अप्लाई लिंक रहेगा http://career.goashipyard.in /job-list.aspx, इस लिंक पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।